दोस्तों नमस्कार, जय हर्ष, मैं आपका दोस्त प्रमोद मौर्या। सर, मेरी बात कोई नहीं सुनता है, मेरी बात कोई मानता नहीं, मेरी अपलाइन की बात को सभी लोग मानते हैं लेकिन मेरी बात नहीं मानता। जब मैं अपने अपलाइन को लेकर के जाता हूं तो रिजल्ट आता है, लेकिन जब मैं अकेले जाता हूं तो रिजल्ट नहीं आता है। ऐसा आपका भी सवाल होगा या हो सकता है आपकी टीम में लोगों का सवाल होगा। आज इसी का आंसर देने वाला हूं कि कैसे आपकी बात लोग मानेंगे और कैसे आपके कहने पर लोग आपकी मीटिंग में आएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये प्रॉब्लम हर एक के पास में है, सभी के पास समस्या है कि हम फ्लॉप करने जाते हैं, होता नहीं है, प्लान लिखाने जाते हैं, प्लान देखता नहीं, प्रोडक्ट देते हैं, प्रोडक्ट लेता नहीं, मीटिंग में आता नहीं, सेमिनार में जाता नहीं है, हमारी बात को फॉलो नहीं करता। लेकिन वहीं पर जब हम अपने अपलाइन को लेकर के जाते हैं, अपलाइन की बात को मानता भी है, मीटिंग में भी आता है, सेमिनार भी जाता है, सामान भी यूज करता है, तो अपलाइन में ऐसा क्या खास है जो हमारे में नहीं है? ऐसा हम क्या करें कि वो हमारी बात भी माने, किसी भी व्यक्ति को प्लान लिखाए, तुरंत हमारे प्लान से समझ जाए और हमारे सिस्टम में आ जाए। ऐसा आप चाहते हैं कि मेरे साथ हो जाए तो ये वीडियो आपके लिए आज है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी वीडियो बना दिया हूं लेकिन एक वीडियो बहुत खास है, बहुत अच्छी है। सबसे पहले आपका जो अपलाइन है ये आपको चेक करना पड़ेगा। अपलाइन, अपलाइन के पास क्या है, अपलाइन के पास क्या है जो आपके पास में नहीं, ये चीज आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि अपलाइन की बात कुछ मानते हैं लोग, अपलाइन की बात को समझते हैं लोग, तो कुछ तो खास है जो आप में नहीं है, कुछ उसके में यूनिक है, आपसे अलग है। तो आपको वो चीज चेक करना पड़ेगा कि अपलाइन में क्या अलग है आपसे, वो चीज आपको अचीव करना पड़ेगा, प्राप्त करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। तो जब वो चीज आपके पास में आ जाएगी तब समझ जाइए कि आप एक बेस्ट अपलाइन बन जाएंगे। जैसे कई बार आप देखे होंगे जो जनरल डॉक्टर होते हैं उन पे लोग कम विश्वास करते हैं, लेकिन जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उन पे लोग ज्यादा विश्वास करते हैं। तो अपने को क्या बनना है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनना, जनरल बनना है। जनरल का मतलब सब कुछ के इलाज करते हैं हम, ऑलराउंडर। ऑलराउंडर वालों की उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होती है जितना स्पेशलिस्ट वालों की। जैसे आंख का डॉक्टर तो आंख का, दांत का है तो सिर्फ दांत का है, दिमाग का है तो सिर्फ दिमाग का है, गले का है तो सिर्फ गले का है, मतलब जो एक ही चीज का डॉक्टर है वो, कान का है तो सिर्फ कान का डॉक्टर है, वो स्पेशलिस्ट है, एक चीज का स्पेशलिस्ट है, उसकी वैल्यू है। वहां भीड़ लगी, वहां टोकन लगे, नंबर लग रहे हैं वहां पे, लेकिन जो जर्नल है वहां उतनी भीड़ नहीं लगी रहती है। तो आपको क्या करना है, अपलाइन के पास क्या वो बताने जा रहा हूं। सबसे पहले अपलाइन के पास में क्या है आपको पता है, सबसे पहले उसके पास में एक शानदार पिन है। क्या है, पिन। दूसरे नंबर की बात करें अपलाइन के पास, देखिए पिन बहुत बड़ी वैल्यू होती है। दोस्तों, आप पुलिस वालों को देखे होंगे जो सिंपल वर्दी में होते हैं उतनी वैल्यू उनकी लोग नहीं करते, लेकिन जो स्टार वाले होते हैं उनकी सारी वैल्यू करते हैं, एक स्टार, दो स्टार, थ्री स्टार, स्टार, जितने स्टार यहाँ पे लगते चले जाते हैं उनकी उतनी वैल्यू होती है, उससे ऊपर होते हैं आईपीएस, उनकी और ज्यादा मार्केट में वैल्यू होती है, ठीक है ना, और उनका ऊपर लेवल होता है। तो यहाँ पर लेवल बोलता है, बात को समझिए आप, यहाँ पे इंसान नहीं बोलता है, लेवल बोलता है, उसका ओहदा बोलता है, उसकी पोस्टिंग बोलती है। तो आपके अपलाइन के पास में पिन है, पिन, जैसे ये देखिए मेरी यहाँ पे पिन चमक रही है, ये पिन अपलाइन के पास में है और ये पिन बोलती है। जब सामने जाते हैं तो बताने नहीं पड़ता मैं किस लेवल पे हूँ, ये पिन खुद बता देती है मैं किस लेवल पे हूँ, राइट। तो ये पिन बोलती है। दूसरे नंबर की बात जो आती है वो होती है इनकम। दोस्तों, इनकम, आपके अपलाइन के पास एक शानदार इनकम होती है, शानदार इनकम होती है आपके अपलाइन के पास में, जो और लोगों के पास में नहीं होती। तो अपलाइन की इनकम पे बोलती है। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे, ये सब आपको चेक करना है। तीसरे नंबर पे ड्रेस, अपलाइन के पास ड्रेस होता है, वो भी शानदार ड्रेस। अब जैसे मैं कपड़ा पहना हूं, अगर इस तरीके से मैं किसी को भी प्लान दिखाने जाऊं, आप ईमानदारी से बताना मेरी प्लान कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हो, किसी भी लेवल पे हो, किसी भी ओहदे पे हो, कोई भी काम कर रहा हो, कोई भी जॉब कर रहा हो, इस तरीके से मैं कपड़े पहन करके जाऊं तो मेरी बात लोग सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, आप मुझे बताइए। 100% मेरी बात को लोग सुनेंगे, क्योंकि वो कपड़े से जो इंप्रेशन उनके पास में जाएगा, पिन लेवल जो दिखाई देगा, इनकम का साइज जो मैं दिखाऊंगा, उससे वो व्यक्ति डाउन हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा और मेरी बातों को अच्छे से सुनेगा। तो आपके पास में अचीवमेंट होनी चाहिए जैसे मेरे पास में, लेकिन ये अचीवमेंट पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपने टारगेट लिया है, जो टारगेट आपने लिया उसे ओके करना, समय से पहले उस टारगेट को पूरा करना पड़ेगा। जब अपलाइन टारगेट पूरा करवाती है तो टारगेट अपने लिए अपलाइन पूरा नहीं करवाती, वो आपको जिताने के लिए टारगेट पूरा करवाती है, आपके जीत के लिए वो टारगेट पूरा करवाती है, ताकि आपकी अचीवमेंट आ जाए, आपका लेवल इनकम पिन आ जाए, ताकि आप दिखाने लायक और बताने लायक हो जाओ मार्केट में। जब किसी के सामने जाओ तो उसके सामने वाले का मुंह को चुप करा सको, मुंह बंद करा सको अपने पिन लेवल से, अपनी इनकम से। इसलिए अपलाइन टारगेट रखती है और टारगेट पर आपको हिट करती है, जिता के आगे बढ़ाती है, ताकि आप अपने समाज में, लोगों में, आसपास में दिखाने और बताने लायक बन जाओ, राइट। तो ये चीज अपलाइन के पास में होती है। और चौथा नंबर की बात करें, अपलाइन हमेशा अपने आप को अपडेट करता है। आप कितना करते हो अपडेट, लगातार अपलाइन अपने आप को अपडेट करता है, जैसे फोन अपडेट करता है, सॉफ्टवेयर अपडेट होता है,
सेम उसी तरीके से अपलाइन अपनी नॉलेज को, अपने ड्रेस को, अपने स्किल को, अपनी आदतों को अपडेट करता, अपग्रेड करता है। आप बताइए आप कितना अपडेट करते हैं, अपग्रेड करते हैं अपनी आदतों को, अपने स्वभाव को, अपने विचारों को, ड्रेस को, कितना अपग्रेड अपडेट करते हैं, ये चेक करने की जरूरत है। यदि आप अपग्रेड करते हैं, अपडेट करते हैं, तो आपके साथ लोग आना चाहेंगे, आपके साथ चलना चाहेंगे, बदलना चाहेंगे, आपके साथ सिस्टम के साथ हमेशा तैयार रहेंगे चलने के लिए। लेकिन जब आप अपने आप को अपडेट करेंगे, अपग्रेड करेंगे, तो ये चीजें अपलाइन के अंदर होती है। इसीलिए अपलाइन की बात को तुरंत मान जाते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं और उस पर चलना शुरू कर देते हैं। जब तक अचीवमेंट आपके पास में नहीं है, कोई आपकी बात को सुनेगा नहीं। लेकिन शुरुआती दौर थोड़ी मुश्किल होता, सभी का होता है शुरुआती दौर, मेरा भी मुश्किल था। ये शुरुआती दौर में आपको छोड़ना नहीं, टिके रहना, सीखते रहना, टिके रहना, सीखते रहना, लगातार अपडेट करते जाना, अपने आप को बदलाव की तरफ लेकर के जाना, अपने आप को चेंज की तरफ लेकर के जाना है। तब जाकर के आप कहते ना कि एक हीरा कोयले से निकल कर आता, लेकिन कोयले में ना जाने कितने साल तक उसमें वो हीरा तैयार होता है, हजारों साल उसको लग जाते हैं और बहुत तगड़ा टेम्परेचर में वो हीरा तैयार अंदर होता है। तो ना जाने कितने टन कोयले निकालने के बाद हीरा मिलता है वो। तो उसी तरीके से आपको भी अभी जुड़ नहीं रहे, मिल नहीं रहे, चल नहीं रहे, तो आप प्रयास करते रहिए, कोशिश करते रहिए, छोड़िए मत, लगे रहिए, अपलाइन के टच में रहिए, प्रोडक्ट 100% यूज कीजिए, हर टारगेट को हिट कीजिए, उसके बाद हर सेमिनार मीटिंग से जुड़े रहिए। देखना एक दिन आपकी सब लेग चलेगी, सब बिजनेस चलेगा, लेवल भी आएगा, पिन भी आएगी, इनकम भी आएगी, सब कुछ आएगी। छोड़ना नहीं, जो मर्जी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई भी समस्या आ जाए, छोड़ना नहीं, इसको याद रखना, छोड़ना नहीं। अपना टाइम आएगा, आएगा जरूर, छोड़ना नहीं। तो उम्मीद करता हूं आज की जानकारी से बेहद आपको नॉलेज मिली होगी और इस वीडियो को आप शेयर करिए अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों में, पूरे टीम में भेज दीजिए, ताकि उनको भी पता चले अपलाइन के पास ऐसा क्या होता है जिससे उसको रिजल्ट आता और हमको नहीं आता। वीडियो शेयर कीजिए, पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमसे अगर इसके अकॉर्डिंग कोई बातचीत करना चाहते तो हमारा फोन नंबर 88 47 67 32 62, ये हमारा फोन नंबर है, इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग रिकॉर्डिंग कोई बात करना चाहते हैं, आरसीएम के अकॉर्डिंग कोई बात करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना, अपने टीम का, अपने परिवार का खास ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय आरसीएम, जय हिंद।